डेट जो है ये शायद कभी इतना इशू नहीं बनी, बट दिस टाइम डेट एक बहुत बड़ा इशू बन गया। पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस हमेशा से कंट्रोवर्सी में रहे, इसने लोगों को एक बेचैनी में डाल दिया और इवन पॉलिटिशियंस को बेचैनी में डाल दिया। इलेक्शन के बाद रिगिंग को लेके जो है तो कंट्रोवर्सीज जो हैं क्रिएट हुई हैं। मीडिया में न्यूज़ चल रही है कि 8 फरवरी जो है वो इलेक्शन कमीशन ने डेट दे दी है इलेक्शन के लिए। इस केयर टेकर गवर्नमेंट ने अपने इस 3-4 मंथ्स में या ऑनवर्ड जितने भी आ रहे हैं कुछ बेहतर स्टेप्स इन्होंने लिए हैं, इकॉनमी थोड़ी बेहतर हो गई हमारी। इलीगल इमिग्रेंट्स को जो इन्होंने निकालने का एक फैसला किया, तो ये काफ़ी बड़ा डिसीजन था। पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस हमेशा से कंट्रोवर्सी में रहे हैं। अगर हम पास्ट में देखें तो हल्का बंदियों को लेके या फिर इलेक्शन के बाद रिगिंग को लेके जो है तो कंट्रोवर्सीज जो हैं क्रिएट हुई हैं। इस बार थोड़ा सा डिफरेंट मिला है, एक तो ये कि डेट को लेके, हालांकि डेट जो है ये शायद कभी इतना इशू नहीं बनी, बट दिस टाइम डेट एक बहुत बड़ा इशू बन गया और इसने लोगों को एक बेचैनी में डाल दिया और इवन पॉलिटिशियंस को बेचैनी में डाल दिया। कि पहले तो कहा गया कि शायद अक्टूबर में इलेक्शंस होंगे, फिर उसके बाद कहा गया कि दिसंबर में इलेक्शंस होंगे, लेकिन अभी तक कोई इस तरह से कोई ख़ास डिसीजन नहीं बना था। और अभी जो करंटली जो एक मीडिया में न्यूज़ चल रही है कि 8 फरवरी जो है वो इलेक्शन कमीशन ने डेट दे दी है इलेक्शन के लिए, होप करते हैं कि इलेक्शंस जो हैं वो 8 फरवरी को हो जाएं। वैसे एक बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट से पहले गवर्नमेंट थी वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी और ये इलेक्शन सारे उन्हीं के लिए होते हैं, मतलब उन्होंने इलेक्ट होना होता है, दो कि हम अपना राय जाहिर करते हैं वोट देके। लेकिन उन्होंने भी इसके ऊपर कोई ख़ास काम नहीं किया या उन्होंने इसके ऊपर कोई इस तरह के लेजिस्लेशन टाइप नहीं की कि हाँ हर सूरत में 90 डेज़ में इलेक्शंस जो हैं वो होंगे। अच्छा, जब केयर टेकर गवर्नमेंट आई तो उन्होंने ये कहा कि हम विद इन 90 डेज़ जो है तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएंगे। 90 डेज़ तो गुजर गए लेकिन इलेक्शन जो है वो कहीं पे भी होता हुआ नज़र नहीं आया। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है कि आया जो हमारी अभी की जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, इनकी एक तो क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन आता है, इसके अलावा इनके आया अब ये लीगली अलाउड हैं यहाँ पे बैठने के? जैसे कि कोई भी गवर्नमेंट अपना टेन्योर पूरा करती है उसके बाद उनका गवर्नमेंट में बैठना उनको लीगली अलाउड नहीं होता, तो सेम इन्होंने भी 90 डेज तो गुजार लिए हैं, तो क्या इनका बैठना अभी लीगली अलाउड है? एक क्वेश्चन है। और चलें बिलफर्ज कोई अगर कुछ है गुंजाइश है कानून में कोई गुंजाइश है, तो फिर भी इसको फरवरी तक ले जाना, मतलब अगर ये कहते हैं कि हल्का बंदियां जो हैं वो डिसाइड नहीं हुई थी, तो इलेक्शन तो कोई हर साल नहीं हो रहे, ये तो आफ्टर 4 या 5 ईयर्स बाद जो है तो इलेक्शंस होते हैं, तो क्या इनको आइडिया नहीं था कि इलेक्शंस आ रहे हैं तो हम उससे पहले हल्का बंदियों को जो है तो सॉर्ट आउट कर लें और बिल्कुल एंड में आके जो है तो इनको हल्का बंदियां याद आई हैं और अब ये कह रहे हैं कि टिल जनवरी के 29th of January तक हम जो है तो हल्का बंदियों को सॉर्ट आउट कर लेंगे और उसके बाद जो है तो हम इलेक्शंस की तरफ जाएंगे। तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मेरे ख़्याल में एक कॉमन इंसान के समझ से थोड़ी सी बाहर हैं। जो लोग कानून के साथ जो कानून के स्टूडेंट्स हैं या कानून के माहिर हैं उनको शायद इस चीज़ों का ज़्यादा इलम हो कि कैसे ये सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं, कैसे एक केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो मोर देन 3 मंथ्स जो है वो जो है तो गवर्नेंस कर रही है। हाँ, थोड़ा सा मैं इसके साथ ये ज़रूर कहूँगा कि इस केयर टेकर गवर्नमेंट ने अपने इस 3-4 मंथ्स में या ऑनवर्ड जितने भी आ रहे हैं कुछ बेहतर स्टेप्स इन्होंने लिए हैं, जिसमें से इकॉनमी थोड़ी बेहतर हो गई हमारी, जो कि प्रीवियस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, मैं डेमोक्रेटिक इसलिए कहता हूँ क्योंकि उन्हें हम इलेक्ट करते हैं, तो जो उनसे बहुत बिगड़ गई थी इन्होंने थोड़ा किसी हद तक बेहतर किया है, डॉलर थोड़ा नीचे आ गया है और पेट्रोल चूंकि डायरेक्टली रिलेट करता है डॉलर और इन सारी चीज़ों के साथ, तो वो थोड़ा नीचे आ गया है, लोगों की लाइफ में थोड़ा सा सुकून का हम कह लेते हैं कि उनको एक थोड़ा सा सुकून शायद मिल गया है और महंगाई ओवरऑल शायद इतना इम्पेक्ट नहीं नज़र आ रहा किसी भी चीज़ में। अगर हम खाने पीने की चीज़ों की बात करें तो वहाँ पे हमें शायद इतना नज़र नहीं आ रहा, तो लेकिन फिर भी किसी हद तक बेहतर हुई है। इसी तरह इसी गवर्नमेंट ने जो इलीगल इमिग्रेंट्स को जो इन्होंने निकालने का एक फ़ैसला किया, तो ये काफ़ी बड़ा डिसीजन था और मेरे ख़्याल में एक अच्छा डिसीजन था। तो लेट्स होप कि 8 फरवरी जो है इलेक्शन डे हो और हम सब जाएं और अपना वोट कास्ट करें और अपने लिए एक इलेक्टेड गवर्नमेंट
जो कि होपफुली हमारे फेवर में डिसीजंस करेगी, जो कि होपफुली हमारे बेटर फ्यूचर या ब्राइट फ्यूचर के लिए कुछ इकदाम उठाएंगी।